Seja bem-vindo. Welcome. Thank you. Our cooperative. Thank you. Seja bem-vindo. ये हैं कोंडागांव के राजाराम त्रिपाठी। खेती किसानी की इनकी अलग पद्धति ने छत्तीसगढ़ का नाम देश ही नहीं विदेश में भी ऊंचा किया है। राजाराम जैविक और हर्बल खेती करते हैं और दूसरे किसानों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं, ताकि रासायनिक खादों और जहरीले कीटनाशकों से पर्यावरण को बचाया जा सके और खुद भी स्वस्थ रह सके। राजाराम त्रिपाठी ने जैविक और हर्बल खेती को लेकर कई तरह के प्रयोग किए हैं और देश विदेश में खूब नाम कमाया है। इन्हीं खासियत की वजह से राजाराम त्रिपाठी को विश्व हेरिटेज अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में बुलाया गया, जहां उन्होंने किसानों को हर्बल और जैविक खेती के गुर सिखाए। जैविक खेती को समझने के लिए इस अफ्रीकी देश में पुरुष किसानों के साथ साथ महिला किसानों में खासा उत्साह नजर आया। मोजाम्बिक के निवाला प्रांत में यह आयोजन किया गया था। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी ने यहाँ के किसानों को जैविक खेती की जानकारी दी। मैंने उन्हें बताया कि जो खेतों में खरपतवार निकलते हैं, जो जैसे वहाँ मक्के की खेती करते हैं तो मक्का तोड़ने के बाद जो मक्के का अवशेष भाग बचता है, इन सब को किस तरह से सड़ा के अपने खेतों में गड्ढे बना के हरी खाद बना सकते हैं, और साथ ही साथ वहाँ जो औषधीय पौधे अपने आप उगते हैं, खेतों में उगते हैं, सड़कों के किनारे उगते हैं, उनसे जैविक कीटनाशक कैसे वो बना सकते हैं बेहद कम खर्चे में, कुछ घंटों में वो जैविक कीटनाशक, जैविक फफूंदी नाशक दवाइयाँ भी बना सकते हैं। इनका जो व्यवहारिक प्रशिक्षण है वहाँ के किसान समूहों को मैंने दिया, इनमें ज्यादातर महिलाएं थी। मोजाम्बिक के इस इलाके में अफ्रीका की मूल आदिम जनजाति निवास करती है। उनका रहन सहन और संस्कृति बस्तर के जनजातीय समुदायों से बहुत मेल खाता है। बस्तर की तरह ही मोजाम्बिक में भी महिलाएं खेती के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। एक तरफ जहां रासायनिक खेती से खेत की उर्वरा शक्ति खत्म होती है, तो वहीं स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा होता है। ऐसे में राजाराम त्रिपाठी की जैविक और हर्बल खेती की यह मुहिम काबिले तारीफ है।